मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट है इंटरफेस कि किस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट, किस तरह से बेसिकली प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है। तो तुम लोगों के पास भी, अगर तुम लोग 2016, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा यूज कर रहे हो विजुअल स्टूडियो का वर्जन? नाइनटीन? अच्छा, 19 है तुम्हारे लिए, सही है, गुड। उनके लिए जिनके पास 2017 है, उनके लिए मैंने ये कर लिया है कि उनके लिए मैंने ये किया कि मैंने अपने एक दोस्त से स्नैपशॉट मंगवा लिया था कि किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं 2017 के अंदर। डिफरेंस कोई नहीं होता बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट होता है और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, बेसिकली हम आज अभी फिलहाल हम करने क्या लगे हैं, हमने स्ट्रक्चर देखना है एमवीसी का। एमवीसी का एक प्रोजेक्ट जो है उसका स्ट्रक्चर देखना है। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आज का ये है और कंट्रोलर है। ऑब्जेक्टिव क्या है उसके लिए, हम लर्न और अंडरस्टैंड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ASP.NET MVC एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोगों ने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में उस दिन भी देखा होगा, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे यार सर अभी तो आप मतलब ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर आपने कहा था कि MVC ये क्या फिर। ठीक है, तो मैं इसको समझाने के लिए, यानी जाहिर है तुम लोग ऐसे शक्ल तो बनी होंगी, तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये फोल्डर, आपने MVC की बात की थी जब हम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे, जब हम बेसिक वो स्लाइड्स पढ़ रहे थे, तो फिर ये सब कुछ क्या है। तो मैं फिर तुम लोगों को ये कहूँगा कि हम क्या करते हैं, इसको विजिट कर लेते हैं और फिर बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, इनका डिस्क्रिप्शन ये है, लेकिन पहले हम विजिट कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट काम करते होते हैं। लास्ट प्रोजेक्ट ही फिलहाल ओपन कर लेते हैं, अभी कोई और प्रोजेक्ट नहीं बनाते। और एप्लीकेशन बनाई थी हमने इसी के थ्रू। देखो ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई है, तो इस एप्लीकेशन को ओपन कैसे करूँगा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाऊँ, राइट क्लिक करूँ और रीबिल्ड, यहाँ प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके रीबिल्ड पे क्लिक करो। अभी भी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि प्रोजेक्ट तो चल गया है, लेकिन कंट्रोलर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये इसके अंदर एक फॉर्म कंट्रोलर नाम का बना हुआ है। ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। सही है, हाँ, लेकिन आप कोई जैसे भी फाइल पर क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे भी मैंने कंट्रोलर की फाइल पर क्लिक किया तो कंट्रोलर की फाइल ओपन हो गई। अब ये कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, मुझे नहीं पता कैसे बना हुआ है, लेकिन पहले से बना हुआ है। ठीक है, यानी मुझे तो पता है, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट अगर बात करूँ तो मुझे नहीं पता कैसे बना हुआ है, बट ये पहले से बना हुआ है। अब हम ये भी देखेंगे कि कंट्रोलर बनता है किस तरह से, होता क्या है, बट अभी थोड़ा सा फाइल के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर देख लें, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल भी बनाएंगे। ये MVC की एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो गई। सही है, इसे क्लोज कर देते हैं और अब दोबारा से सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर आते हैं। अच्छा जी, इसे दोबारा से कोलैप्स करते हैं और यहाँ देखते हैं। अगर आप लोग देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से, तो मेरे पास यहाँ पे यहाँ मौजूद है मेरे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है, जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन वन। ठीक है, तो ये तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब तुम लोगों को याद होगा हमने एप्लीकेशन ऐड की थी, अगर तुम लोगों को याद हो हमने जब हम क्लासेस पढ़ रहे थे, ठीक है, और क्लासेस के साथ इनहेरिटेंस वगैरह पढ़ रहे थे, तो हम क्या करते थे, मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे थे। याद है मैंने एक और क्लास ऐड की थी, एक प्रोजेक्ट के साथ दूसरे प्रोजेक्ट ऐड किया था, और फिर मैंने कहा था रेफरेंस के थ्रू हमने इनका, इन दोनों का रेफरेंस आपस में ऐड किया था। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया जो मेरे सॉल्यूशन के अंदर होता है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा प्रोजेक्ट है। मल्टीपल प्रोजेक्ट आ सकते हैं, अभी नहीं लेकिन आगे चल के हम,
रिपोजिटरी एप्स क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है? वो रिपोजिटरी ऐप होती क्या है, किस तरह काम कर रही होती है, हम डेटाबेस की लेयर्स के साथ काम करेंगे आगे चल के, यानी डेटाबेस जो मैं पढ़ाऊंगा ना एमवीसी के अंदर, तो एमवीसी के अंदर हम काम करेंगे लेयर्स के साथ। बहुत एक प्रोफेशनल वे है काम करने का, जो इंडस्ट्री है उसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इस तरह से काम हो रहा होता है, ठीक है? मैंने जो काम किया फ्रीलांसिंग पे, या जो किसी सॉफ्टवेयर, अगर मैंने सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया है, मैंने वहां पे यही देखा है और मैंने काम किया भी इसी तरह से। इवन मैंने सीखा भी वहीं पे जाकर ये जो मैं तुम लोगों को काम कराऊंगा डेटाबेस वाला लेयर्स के थ्रू, ठीक है? वो बहुत एक बहुत मजेदार काम है, थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा कोड ज्यादा करने को होता है लेकिन मजा उसमें आता है, ठीक है? और एक एक चीज बहुत साफ सुथरी, बहुत मैनेजेबल होती है, बहुत हर चीज, हर टूल, हर इवेंट आपको बहुत मैनेजेबल होता है, ठीक है? तो हम उस तरह से काम करेंगे। अच्छा फिर देखो दूसरा, यहाँ पे उसके नीचे जो एक फाइल बनी हुई है वो है किस चीज की, कनेक्टेड सर्विसेज। यहाँ तमाम कनेक्टेड सर्विसेज मौजूद होती हैं जितनी भी सर्विसेज के साथ मैं काम कर रहा हूँ। अभी तो फिलहाल मेरा जो विजुअल स्टूडियो है वो पूरा का पूरा, ये समझ लो कि मेरे पास एक्टिवेटेड वर्जन है, कम्युनिटी है, उसके बाद मैं अपना अकाउंट भी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे पास जो चीज़ें मैं इसकी यूज़ कर रहा होता हूँ वो नेटवर्किंग भी, और नेटवर्किंग की तो खैर मुझे कुछ आता नहीं है खास, लेकिन मैं एमएस ऑफिस वगैरह भी साथ में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो माइक्रोसॉफ्ट की सारी प्रोडक्ट्स होती है ना उससे एक तो कनेक्टेड है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब कनेक्टेड है। बाकी एज्योर और एज्योर की सर्विस अभी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो जो सर्विसेज हैं भी मौजूद जो इससे कनेक्टेड होती हैं विजुअल स्टूडियो के, वो यहाँ पे दे रही है, ठीक है? इसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज और यहाँ देखते हैं, ये ऐप डेटा से स्टार्ट हो रहा है बट हम प्रॉपर्टीज को खुद से देखते हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसकी सारी प्रॉपर्टीज आ रही होती है, कि किस तरह की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? देखना इसकी बिल्ड कौन सी है, सही है? अगर वेब पे जाओ तो किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है, कैसे पेजेस हैं, किस तरह का डेटा है, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। पैकेजेस वगैरह किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ हो रेफरेंसेस के अंदर, तो रेफरेंसेस क्या होते हैं देखो, यहाँ पे रेफरेंसेस के बारे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रेफरेंसेस के बारे में, अच्छा रेफरेंस के बारे में हमने डिस्कस करना है। रेफरेंसेस क्या होते हैं, रेफरेंसेस अगर याद हो लास्ट हमने वो जो क्लासेस वाला काम किया था उसके अंदर क्या था, हमने दो प्रोजेक्ट बनाए थे, तो मेन प्रोजेक्ट के अंदर सेकंड वाले प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ा था, ताकि क्या हो, मेन प्रोजेक्ट के अंदर वो सेकंड वाला जो प्रोजेक्ट है वो किसी तरह से कॉल हो जाए, सही है? तो यहाँ पे हम रेफरेंसेज ऐड कर रहे होते हैं, मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, रेफरेंसेज ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो अभी इसके अंदर ना सिर्फ ये एक रेफरेंस ऐड हुआ है, लेकिन आप रेफरेंस के अंदर नए रेफरेंसेस कैसे ऐड कर सकते हो, आप राइट क्लिक करो, आपने ऐड के बटन पे क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, रेफरेंसेस यहाँ से ऐड कर सकते हो, सही है? और आप क्या करते, यानी फिर वो क्या होगा, नए रेफरेंसेज आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टीज के साथ रेफरेंसेज, कोई भी नए रेफरेंसेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या रेफरेंस का बटन आ गया, यहाँ से आप नए रेफरेंसेज ऐड कर सकते हो, ठीक है? अभी प्रॉपर्टीज पे क्लिक हो गया था मुझसे, ये बहुत सारे यहाँ पे रेफरेंसेस पहले से मौजूद होते हैं, सही है? अब अलग से कोई नई मैंने एप्लीकेशन साथ में कनेक्ट करनी है, इस प्रोजेक्ट के साथ एक नया प्रोजेक्ट कनेक्ट करना है, देखो जो आपके बहुत सारे स्केलेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, बड़ी जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि बस एक ही प्रोजेक्ट बनाया उसमें चार पेजेस ही बनाए और वो बड़ी सी एप्लीकेशन बन गई, नहीं ऐसा होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, कभी ऐसा होता है तीन प्रोजेक्ट्स मिलाकर एक प्रोजेक्ट बन रहा है, कभी ऐसा होता है कि चार चार पाँच पाँच प्रोजेक्ट्स मिलाकर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, सही है? तो मल्टीपल प्रोजेक्ट के साथ एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है? बिल्कुल अलग अलग प्रोजेक्ट के काम करके एक साथ उसको कर रहे होते हैं, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं। अच्छा अलग अलग प्रोजेक्ट्स नहीं भी बन रहे होते हैं, अगर अगर एक ही प्रोजेक्ट के साथ लेट से अगर एक ही बंदा काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग लोग काम नहीं भी कर रहे, तो भी ऐसा होता है कि रिपोजिटरी के लिए हमें एक अलग रेफरेंस प्रोजेक्ट ऐड करना ही पड़ता है, ठीक है? बेशक वो मेन प्रोजेक्ट नहीं होता लेकिन रेफरेंस प्रोजेक्ट होता है, लेकिन ऐड करना होता है क्लासेस की वजह से, ठीक है? हम जब करेंगे रिपोजिटरी वाला काम तो फिर मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा कि किस तरह से हम नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर है मेरे पास ऐप डेटा, जितना भी डेटा है जो कि रिक्वायर या रीड और राइट एप्लीकेशन के अंदर रीड और राइट का काम करने के लिए यूज होता है, वो सब कुछ कहाँ आता है, ऐप डेटा के अंदर, ठीक है? फिर जितना भी ऐसा डेटा होता है, हेयर यू पुट ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो exe की होती हैं, राउट कॉन्फ़िगरेशन हो गई, बंडल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, ठीक है? ऐप का देखो,
यहाँ की सारी चीजें, बंडल कॉन्फिग हो गई, राउट राउट कॉन्फिग हो गई, राउट्स हो गए कि आपने राउट्स कौन क्या चीजें होती हैं। राउट्स होते हैं कि लेट से www.mywebsite/home/aboutus, तो ये जो स्लैश अबाउट अस होते हैं ना कि स्लैश अबाउट अस पे कौन सा पेज ओपन हो, ये हम राउट्स के अंदर डिफाइन करते हैं। जब हम राउट्स बनाएंगे तो फिर तुम लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, किस तरह की बात कर रहा हूँ। सही है। हाँ, एंगुलर में भी आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने मैंने मेरे ख्याल से तुम लोगों को पढ़ाया था आई थिंक जितना। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से मैंने भी पढ़ाया था राउटिंग आमतौर पर, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता लेकिन मुझे याद पड़ रहा है, हमने शायद पढ़ा था। ठीक है, तो राउट यहाँ बने भी होते हैं। अभी बेसिक जो राउट होते हैं ना वो यहाँ बने हुए, देखो ये देखो, बट हम इसे अपने जो हम जब राउट्स बनाएंगे तो इन्हें हम भी अपने से खुद से भी बनाएंगे। ठीक है, राउट्स भी एम वी सी में यार बहुत आसान होते हैं। एट्रीब्यूट राउटिंग जो होती है ना वो तो बच्चों वाला काम हो गया है। मतलब राउट्स तो मैं अगर कहूँ ना, मेरा छोटा भाई भी अगर मैं उसको सिखा दूँ एक मरतबा, तो उसका भी काम अगर राउट्स बनाना हो जाए ना तो वो भी कर देगा, इतना आसान होता है लिटरली। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कंटेंट या कॉन्टेंट। इस कॉन्टेंट में क्या होता है, जितने जितना हो गया मेरे पास, लेट से फूटस्टेप की बात कर लो, पिक्चर्स हो गई, इमेजेस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई ना, वो सब कुछ कंटेंट में होती हैं। पिक्चर्स, इमेजेस, लेट से वीडियोस हो गई, आइकन्स हो गए, और दूसरी चीज़ें हो गई, फॉन्ट्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हो गई ना वो सारी कहाँ पर होती हैं, यहाँ पर कंटेंट में होती हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ बूटस्ट्रैप की चीज़ें मौजूद, बिल्कुल जो एप्लीकेशन है तुम्हारी वो रिस्पॉन्सिव है, जो मैंने एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं यार। हम जब एम वी सी के अंदर डेटाबेस वगैरह पढ़ लेंगे ना, मेन मेन बड़े बड़े टॉपिक, तो मैं तुम लोगों को ये भी बताऊंगा कि एम वी सी की एप्लीकेशन में एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सारा आपका कॉन्टेंट, इमेजेस, फॉन्ट्स, आइकन सब कुछ आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर जाहिर है क्या आता होगा, जितने कंट्रोलर बने हुए हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो सारे कंट्रोलर आते हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना हुआ है, सिर्फ एक कंट्रोलर बना हुआ है, तो वो एक कंट्रोलर यहाँ पर आ गया, वो एक कंट्रोलर यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आपको अपेयर भी हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इसके बाद है मेरे पास फॉन्ट्स। यहाँ जितने फॉन्ट्स यूज हो रहे हैं ना, बेसिक जो आप फॉन्ट्स हम यूज कर रहे होते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, अच्छे खासे फॉन्ट्स होते हैं यहाँ पे, यानी HTML अच्छे खासे फॉन्ट्स लेकर आता है। बूटस्ट्रैप के भी फॉन्ट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारे फॉन्ट्स ना यहाँ पे गिवन होते हैं, आप सब यहाँ से बेसिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है मेरे पास मॉडल। मॉडल क्या है, मॉडल देखना, देखो दिस फोल्डर है ऑल दी मॉडल्स, इस फोल्डर के अंदर सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, आपकी जो बिजनेस लॉजिक लेयर होती है ना, यानी जो आपकी लॉजिक लेयर होती है बेसिकली, ठीक है, वो मॉडल्स के थ्रू बनती है। जितना भी आप लॉजिक लिख रहे होते हो ना, मॉडल्स के थ्रू कर रहे होते हो वो सारा काम। इसके बाद हाँ, तो उसके ऊपर किस तरह से डेटा आना है, किस तरह से काम होना है, पीछे लॉजिक क्या चल रही है, वो सब मॉडल्स के अंदर होता है। इसके बाद आ गया स्क्रिप्ट। जितने भी स्क्रिप्ट का काम होता है ना, इसके अंदर सारी बूटस्ट्रैप की फाइल है फिलहाल तो, लेकिन जितना भी हम जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं ना, वो सारी फाइल्स कहाँ बनती हैं, वो सारी फाइल्स बनती हैं स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर। ठीक है, जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स बनती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एमवीसी के, वो सारी बनती हैं स्क्रिप्ट के फोल्डर में। बेसिकली आप ASP.NET की बात अगर करो ना, ASP.NET MVC की, तो आप ASP.NET की नॉर्मल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, उसके अंदर भी सारा काम इस तरह से हो रहा होगा। लेकिन MVC का फायदा ये है कि ये आपको ऑर्गेनाइज करके देता है, आपका जो स्ट्रक्चर है ना, आपका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, आपको ऑर्गेनाइज करके मिलता है कि मॉडल में सारा लॉजिक वाला काम करोगे, कंट्रोलर का सारा काम कंट्रोलर के फोल्डर में करोगे, अभी एक फोल्डर और भी आएगा उसका सारा काम व्यूज वाला जो फोल्डर है, व्यूज का सारा काम कहाँ करोगे, व्यूज के फोल्डर में करोगे। ठीक है, तो ये आपको हर चीज़ अलग अलग करके बता रहा होता है कि आप बकायदा ऑर्गेनाइज करके काम कर सकते हो। अब आते हैं व्यूज। देखो कंट्रोलर के अंदर जितने एक्शन मेथड्स होते हैं ना, उतने व्यूज बन सकते हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, कंट्रोलर में जितने मैंने कहा कंट्रोलर में जितने एक्शन मेथड्स होते हैं, एक्शन मेथड्स क्या होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा। अभी फिलहाल कंट्रोलर में जितने एक्शन मेथड्स होते हैं हम उतने व्यूज बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो व्यूज के अंदर मजीद दो फोल्डर हैं, होम और इसके अलावा क्या बना हुआ है, शेयर्ड। अब शेयर्ड और होम का क्या मसला होता है, होम तो बेसिक है, शेयर्ड का क्या, बस शेयर्ड पे क्या होता है ये भी हम आगे चल के जब टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, पार्सल व्यूज वगैरह किस तरह बन रहे होते हैं, शेयर्ड वगैरह के फोल्डर में सारा काम हो रहा होता है। व्यूज बेसिकली जो हमारा HTML की फाइल है, ये देख लो उसके अंदर HTML की फाइल के साथ काम हो रहा होता है, ये HTML। यहाँ पे HTML की फाइल जो होती है ना, यहाँ पे HTML की फाइल का जो अंदाजी, जिसे कहते हैं ना कि अंदाजी एक निराला होता है, बिल्कुल ही अलग होता है। यहाँ पे फाइल का नाम डॉट HTML नहीं होता, यहाँ पे वो HTML वाली फाइल होती है, क्या होती है, डॉट CSHTML, C#HTML। यानी हम इसके अंदर C# भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो HTML की फाइल होती है ना, मैं इसके अंदर C# भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एट द रेट के साथ। इसका जो व्यू इंजन होता है, ये रेजर व्यू इंजन होता है, हम इसको भी आगे मजीद डिस्कस करेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये देखो ये सारी HTML है, ये C# इसके अंदर, ये व्यू बैक डॉट टाइटल वगैरह जो सारी चीजें हैं ये सब C# है। ठीक है, एक और HTML का पेज देख लेते हैं, यहाँ पे मजीद ज्यादा काम हुआ है HTML के अंदर। ये देखो सिंपल HTML के साथ काम हुआ है, बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये तो HTML हो गई, इसको बंद कर दो। इसके बाद यहाँ पे एक और फाइल है, और ये क्या नाम है इसका, fabricon.io। ये वो जो आइकन होता है ना, जो टैब के अंदर टैब पे जो आइकन लगा हुआ होता है आपकी एप्लीकेशन का, ये वो आइकन होता है। सही है, तो अभी फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ रहे, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये वो आइकन होता है जो आपके पास वहाँ लगा हुआ होता है। इसके बाद आता है आपका global.asx। जी ग्लोबल डॉट, ये जो ग्लोबल डॉट ASX है ना, इसके अंदर क्या कर रहे होते हो आप, सब कुछ डिफाइन कर रहे होते हो, जैसे राउट हो गए, बंडल कॉन्फ़िग हो गई, राउट कॉन्फ़िग हो गए, ठीक है, एरिया एरिया आपके रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है, फिल्टर कॉन्फ़िग हो गई, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हो। आपने जो भी नया फिल्टर यूज करना है उसको आप यहाँ पे पहले डिफाइन करोगे, कोई नया बंडल यूज करना है, बंडलिंग जिस तरह से हो रही होती है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले से डिफाइन करोगे। ठीक है, CSS तो बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हो ना, CSS क्यों करोगे, क्या हो गया यार। हाँ तो कंटेंट के अंदर एक नई फाइल ऐड कर लो, कंटेंट के अंदर नई फाइल ऐड कर लो CSS की, पता। ठीक है, इसके अलावा पैकेज, पैकेज डॉट कॉन्फिग, ये पैकेज के अंदर क्या होता है, जितने भी पैकेजेस हम यूज कर रहे होते हैं ना वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं एक मिसाल दूँ तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये देखो MVC, तो microsoft.asp.net.mvc। MVC का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, 5.2.7। इस वक्त MVC की जो एप्लीकेशन बनती है ना वो 5.2.7, जो भी जो लेटेस्ट MVC का वर्जन चल रहा है, जो भी विजुअल स्टूडियो पे अवेलेबल है, वो 5.2.7 है जो कि हम यूज कर रहे हैं। सही है, और इसके अलावा टारगेटेड फ्रेमवर्क जो है वो net 4.72, यानी 4.7.2 है जो विजुअल स्टूडियो का है। और ये जो कोड है किसमें हुआ है, ये XML के थ्रू कोड हुआ है, XML डॉक्यूमेंट है ये पूरा, ये देखो। सही है, अच्छा, फिर उसके बाद वेब कॉन्फिग। देखो आप XML को समझ रहे हैं कि नहीं, XML जो हमने पढ़ा है ना वो इसलिए पढ़ी है ताकि हम इन चीज़ों को समझ सकें, ये यहाँ पे काम आती है XML। इसके बाद आती है web.config के अंदर हम क्या चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, सारी वो चीज़ें जो कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड है। लेट्स से डेटाबेस कनेक्ट करनी है, तो डेटाबेस कनेक्ट करनी है तो मुझे अब क्या करना है, SQL से भी थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाना है। वो जो नई एप्लीकेशन कनेक्ट करनी है उसको यहाँ से कनेक्ट करना है, तो क्या करूँगा, कुछ यहाँ पे कोड करूँगा थोड़ा बहुत, जब हम ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और वैसे वैसे बताते भी रहेंगे कि यार इस तरह से काम कर सकते हो, इस तरह से बेसिकली अपना कनेक्ट कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को, किस चीज़ से आप इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो, इस हिस्से से या इस टाइप से। ठीक है, तो आप सारी चीज़ें वेब डॉट कॉन्फिग के अंदर डिफाइन कर रहे होते हो, बंडल्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे होते हैं वो यहाँ वेब डॉट कॉन्फिग में भी उसका काम हो रहा होता है।
किसी का कैमरा ओपन हुआ होगा। अच्छा, ये हमाद और महाद नहीं है आज क्लास के अंदर क्या? हमाद, महाद, मुबीन, मुबीन नहीं है, अब्दुल्ला फैसल आए हुए हैं। आने दो, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक दो दो 3 मिनट का वेट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आया एमवीसी का? देखो, ये स्ट्रक्चर अगर अभी समझ में नहीं आएगा ना तो आगे प्रॉब्लम होगी। स्ट्रक्चर जहाँ प्रॉब्लम कर रहा है पूछ लो, मैं दोबारा बता दूंगा। एक मिनट स्टार्ट करते हैं सर, 1 मिनट। अच्छा, तो तकरीबन जो पहले थे सब लोग आ गए मेरे ख्याल से। ठीक है, एक तो ऐसा करते हैं कि अटेंडेंस भी मार्क कर लेते हैं साथ के साथ। अब जो नहीं है वो नहीं है यार, सही है। अच्छा, तुम लोगों की जो आज की वीडियो है ना, मैं भी थोड़ा सा इस पर टाइम लगे, क्योंकि मैं ये करूँगा कि पहले जो 6 मई के बाद से बची हुई वीडियोज हैं पहले वो अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोगों को मे भी ये वीडियो शायद शहरी तक मिले। उससे पहले मैं अभी तक की वीडियो अपलोड कर दूंगा रात में किसी वक्त, तो मे भी तुम लोगों को वीडियो देना थोड़ा किसी वक्त शहरी के बाद या उस वक्त ये वाली वीडियो अपलोड हो। सही है। अच्छा, तुमने ये देखा कि वेब कॉन्फिग के अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और वेब डॉट कॉन्फिग किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, इसके अंदर भी वही आप डिफरेंट जो जो चीज़ें आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करनी है, जो जो नई नई चीज़ें हैं, जैसे डेटाबेस यूज करनी है, तो इसकी ऑटोमेटिकली इसका एक ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन जाता है यहाँ पर। डेटाबेस का एसक्यूएल का ऑटोमेटिकली कनेक्शन यहाँ बन जाता है। ठीक है, आगे हम इसको यूज़ करेंगे, आप लोगों के जो जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर ही काम आएगी। ठीक है, आप लोग देखोगे किस तरह से काम आ रही होती है, किस तरह से यूज़ होती है। सही है, हमने ये स्ट्रक्चर तो देख लिया, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ऐप स्टार्ट, देखो एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो रही होती है ना, एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो रही होती है तो ये सारी चीज़ें ना उनकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन के काम आती हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बिल्ड कॉन्फ़िग है, इसके अंदर फिल्टर कॉन्फ़िग है, इसके अंदर बेसिकली बंडल कॉन्फ़िग, फिल्टर कॉन्फ़िग और राउट कॉन्फ़िग, ये दोनों, ये तीनों चीज़ें ना बहुत हेल्प कर रही होती हैं। अगर राउट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी किसी एप्लीकेशन के स्टार्ट होने में, ठीक है, तो क्या होगा, वो एप्लीकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी अगर उसके राउट डिफाइंड नहीं होंगे। तो ये तो एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अगर फिल्टर जो यूज़ कर रहे होंगे, हम फिल्टर आगे जाकर अभी यूज़ करेंगे, तो जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे होंगे, मैं फिल्टर के बारे में बताऊंगा और यूज़ भी करना सिखाऊंगा, तो जो फिल्टर हम यूज़ कर रहे होंगे अगर वो भी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाए स्टार्टिंग के अंदर, तो क्या होगा, जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ना तो जो हम फंक्शनैलिटी फिल्टर से चाह रहे हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी हमें नहीं मिल पाएगी। ये सारी चीज़ें इसीलिए ऐप स्टार्ट के अंदर होती हैं ताकि एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो तो जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट हो वो सारी चीज़ें यहाँ हमारे पास मौजूद हों। ठीक है, सही। अच्छा, एमवीसी का सीन ये है कि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, जैसे मैंने आज का भी ये किया, मैं आमतौर पे करता नहीं हूँ एमवीसी के अंदर, हम ये करते हैं कि बस एप्लीकेशन ओपन की और हमने समझाना शुरू कर दिया। लेकिन जाहिर है वीडियो हर वक्त नहीं देख सकते आप, वीडियो हर वक्त देखना पॉसिबल नहीं हो सकता उस तरह, तो हम ये किया करेंगे क्लास के अंदर कि टाइम टू टाइम, जैसे स्टार्टिंग में सी शार्प में करते थे, फिर सी शार्प के अंदर क्या करने लगा, मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देने लगा, टाइम टू टाइम स्नैपशॉट ले लिया करेंगे। जैसे अभी अभी तो जाहिर है ये सारी चीज़ें बनी हुई पहले से, लेकिन अगर कोई कोड कर रहे हैं ना तो टाइम टू टाइम उसका स्नैपशॉट लेके और फिर वो क्लासरूम पे अपलोड करने की कोशिश कर दूंगा मैं, ताकि हो क्या आप लोग स्नैपशॉट की मदद से ना अपना काम कर सको। तो स्नैपशॉट लूंगा पूरी एप्लीकेशन का, पूरे पेज का लूंगा, ताकि आप लोग राइट साइड से देख सको
ये जो कोड हमने किया हुआ है लेफ्ट साइड पे कौन सी फाइल में किया हुआ है, सही है। कोशिश मैं करूंगा कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो पेज है ना उसकी उसका स्नैपशॉट ले लें, सही है, ताकि काम हो सके तुम लोगों के, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा है कि उसको एमवीसी के अंदर ना बहुत मुश्किल हो जाएगी स्टार्टिंग के अंदर, पता नहीं है कौन सा कोड कहाँ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है, कौन सा कोड कौन सा स्क्रिप्ट कहाँ लिखना है इसलिए। और ऐसा करते हैं इसकी बेसिक, अब मैं लेट से बिजनेस स्टूडियो को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या रह गया। अच्छा भाई एक तो बात ये कि अगर आप कहते हैं कि ठीक है आपका ओपिनियन है, आप कहते हैं ठीक है यार ये जो फाइल्स है कि ठीक है तो ठीक है यू आर गुड टू गो, लेकिन अगर आप कहते हो नहीं यार मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एमवीसी ये जो फोल्डर्स देता है, ठीक है, आप एक एम्प्टी एप्लीकेशन बना के इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है, और अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक कंट्रोलर कैसे बनता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप लोगों के पास, ये रहा, आप लोगों के पास एमवीसी की एप्लीकेशन कैसे बनेगी 2017 या उससे पहले के, ठीक है। तो आप लोग जब विजुअल स्टूडियो को ओपन करोगे ना, ठीक है, तो आप लोगों के पास बेसिकली वो खाली स्क्रीन ओपन होगी जो मेरे पास अभी ओपन हुई थी। आप विजुअल स्टूडियो को ओपन करोगे, विजुअल स्टूडियो को मैंने ओपन कर लिया, अभी देखना है कि इसको इस तरह की एक खाली सी स्क्रीन ओपन होगी लेट से, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, ये भी सब बंद कर दो, जो वर्जन आप लोग यूज कर रहे हो उसमें जब आप लोग इसे ओपन करोगे तो क्या होगा, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी बिल्कुल, ठीक है, ना सॉल्यूशन एक्सप्लोरर उसमें होगा, कुछ भी नहीं होगा, सही है। अब क्या करोगे, न्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ फाइल पे जाकर न्यू पे क्लिक करोगे और न्यू प्रोजेक्ट, जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, आपके पास कैसी स्क्रीन ओपन होगी, आपके पास ऐसी स्क्रीन ओपन होगी, ऐसी स्क्रीन ओपन होगी। वहां पे आपने क्या करना है, विजुअल सी शार्प की टीम में जाना है, विजुअल सी शार्प की टीम के अंदर वेब पे क्लिक करना है, वेब पे जब क्लिक करोगे तो ये तीन प्लेटफॉर्म्स आएंगे, ठीक है। अगर आपके पास डॉट नेट कोर इंस्टॉल्ड होगी आपके लैपटॉप में, आपका जो विजुअल स्टूडियो है उसके कॉम्पोनेंट्स में डॉट नेट कोर भी इंस्टॉल्ड होगी, तो डॉट नेट भी आ रही होगी, वरना क्या सेलेक्ट करोगे, एसपी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सेलेक्ट करोगे। मैं भी क्या कर रहा होता हूँ, मैं भी लेट से अभी तो मेरे पास यहाँ पे कंसोल सेलेक्ट जो फ्रंट पर आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन ए एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन डॉट नेट कोर नहीं डॉट नेट फ्रेमवर्क वाली यूज करूंगा, सही है। और प्रोजेक्ट आप क्रिएट करोगे, इस ओके के बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम दो, यहाँ ये बताओ कि एप्लीकेशन को कहाँ सेव कर रहे हो, ठीक है, फिर आगे आ जाओ, ये 2017 वालों के लिए। अगला जो आपके पास इंटरफेस आएगा ना बटन, वो ये वाला आएगा, ये वाला पूरा एरिया आएगा, हाँ अपने पास। अच्छा आप लोग अभी भी चाहो तो अभी भी ट्राई कर सकते हो और अपना डेस्कटॉप भी शेयर कर सकते हो, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम आएगी वो हल कर लेंगे, सब लोग ट्राई कर लो अगर चाहो तो, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सब ट्राई कर सकते हैं अपने पास। माद और माद की एब्सेंट लग गई भाई, अब उनको बता देना आए नहीं आज, मुबीन की भी कौन सी कौन क्लासेस में है, सही है। फाइल पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो और न्यू के अंदर एक और पूरा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो रहा होगा राइट साइड पे, प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, देन क्या हुआ, होने दो, यार मेरी नजर में तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा अभी तक, विजुअल स्टूडियो है थोड़ा सा हैवी लेकिन क्या करें बहुत यूजफुल है। अब ये देखो ना ये सारी चीजें क्या,
क्या होगा? विजुअल सी शार्प, इसमें वेब में जाओ उसके अंदर से। फिर क्या हुआ? .NET फ्रेमवर्क वाली एप्लीकेशन सेलेक्ट करो, उसको नीचे कोई नाम दो। यहाँ पे देखो स्क्रीन के ऊपर, ये देखो यहाँ पे उसको कोई नेम दो, ठीक है, और फिर ओके कर दो। और फिर देखना तुम्हारे पास ये टेक्स्ट, ये डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा। यारे डायलॉग बॉक्स, प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा होगा। सही है, हाँ कहा जा सकता है। SSD लगवा लो यार, इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती। हाँ ये बात है। खैर ये वाला इंटरफेस आ गया होगा। अब देखना, अब सब समझें। देखो ये MVC की कुछ टाइप्स होती हैं। लेट से एक तो एम्प्टी टेम्पलेट हो गया। अगर एम्प्टी टेम्पलेट लोगे तो क्या होगा, सिर्फ ASP.NET की एप्लीकेशन बन जाएगी। जो आप ASP.NET वेब फॉर्म्स बनाते हैं ना, जैसे अगर नॉर्मल जो ASP.NET की एप्लीकेशन बनती है, तो उसे हम कहते हैं ASP.NET वेब फॉर्म्स। सही है, यानी वो आपके वेब फॉर्म्स बन जाते हैं, नॉर्मल ASP.NET की एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर अगर आप कहो कि वेब फॉर्म्स के साथ बनेगी, तो इस तरह से बन जाती है। वेब फॉर्म्स के अंदर क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला भी सीन होता है कि आप टूल्स को ड्रैग करो और फॉर्म पे ड्रैग ड्रॉप करो। क्या होगा, वेबसाइट जब आपकी बनेगी HTML, तो आपकी क्या होगी, इस तरह की एप्लीकेशन बन जाएगी। आप क्या करोगे, MVC सेलेक्ट करोगे, तो क्या होगा कि MVC का पूरा स्ट्रक्चर, फाइल्स वगैरह सारी बनकर आपको मिलेंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक MVC की एप्लीकेशन जो अभी हमने बनाई हुई है वो मिलेगी आपको, ठीक है। अगर वेब API पे जाओगे तो वेब API क्या होगा कि वेब API आपको APIs के थ्रू काम करने को मिलेगा, यानी आप API बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सर्विसेज जो होती हैं वो आप यहाँ बना सकते हो। अगर आप कहोगे सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है, एक ही बेस की एप्लीकेशन होगी। अगर आप कहोगे अज्योर API ऐप, तो अज्योर API ऐप यहाँ पे यहाँ से बना सकते हो। अज्योर मोबाइल ऐप, तो अज्योर मोबाइल ऐप इस तरह से बना सकते हो। हम अभी यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं MVC, तो यहाँ से देखो MVC के MVC पे वाला जो बटन है इस पर क्लिक करो, इसको सेलेक्ट कर लो, ब्लू हो जाएगा ये। कर दिया, MVC ब्लू हो गया। फिर नीचे देखो यहाँ पे MVC का जो सेक्शन है ना, ये चेक चेक होके आ रहा होगा यहाँ पे, ये चेक हुआ है, ठीक है। एड यूनिट टेस्ट लिखा हुआ नीचे, एड यूनिट टेस्ट, उस पर चेक लगा हुआ है। बस चेक लगाना भी मत उस पर चेक नहीं लगाना, ठीक है, ओके कर दो। नहीं, इसमें चेक नहीं लगा रहा है, ओके कर दिया, एक एप्लीकेशन बन जाएगी इस तरह से। हाँ बनेगी अभी, जब तक मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखो यहाँ पे अगर मैं जो नया वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो एजम के लिए बता रहा हूँ, वो नया वर्जन यूज कर रहा है। तो देखो एजम C# सेलेक्ट करो, C# के बाद क्या करो, विंडोज की जगह यहाँ पे सेलेक्ट करो। चलो हाँ विंडोज सही है, ठीक है। विंडोज के बाद क्या करो, जी हाँ 2019 वालों के लिए बता रहा हूँ, 2019 वालों के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करूँ, यहाँ से सेलेक्ट करो क्या चीज, वेब, गुड। तो क्या होगा, ये डिफरेंट सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है इसमें से, अपनी मर्जी का ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, और क्या कर दोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं हम भी, ठीक है। अब इसको कोई नाम दे दो, इसका बाय डिफॉल्ट नेम मैंने रहने दिया, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, सही है। और नेक्स्ट, यहाँ से वर्क स्पेस वगैरह चेंज कर सकते हो, कि ये प्रोजेक्ट सेफ कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही क्रिएट कर रहा हूँ। अभी देखना मुझसे भी ये पूछेगा, ये मुझसे पूछ रहा है वही सारी चीज़ें जो तुम लोग से पूछ रहा था, तुम लोगों के प्रोजेक्ट के अंदर। बस इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इवन अगर मैं कहूँ ना, तुम लोगों के पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, या मेरे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है, तुम लोगों के पास थोड़ा सा, बस एक ही कम जगह में हुआ है। मेरे पास ज़रा डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इसने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे MVC सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं इसको MT पे भी कर सकता हूँ, मैं वेब फॉर्म्स पे भी ले जा सकता हूँ, ठीक है। MVC पे लाऊंगा तो देखना कि MVC वाली जो चीज़ है ना वो चेक होगी, और यहाँ MT करूँगा तो इनमें से कोई भी चीज़ चेक नहीं होगी, सही है। लेट से मैं
मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया, एमवीसी चेक है, ठीक है, बस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर फॉर एचटीटीपीएस मैंने ये रखना है, और यूनिट टेस्ट मैंने भी ऐड नहीं करना, ठीक है, तो अगर कहीं यूनिट टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा तो मैं भी उसे हटा दूंगा, और क्या करेंगे देन, क्रिएट कर देंगे, एमवीसी चेक्ड है यहाँ पर, और बस क्रिएट कर देते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, और हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर देखो, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बन गया पहले की तरह बिल्कुल, उसमें सारे वही के कोई फोल्डर डल गए, कोई भी चेंजेस नहीं है, जो फोल्डर पहले थे वही सारे अभी फोल्डर अवेलेबल हैं। तुम लोगों के पास प्रोजेक्ट बना या नहीं बना? ये यहाँ पर आ रहा होगा सारा, यहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ मेन स्क्रीन पर इस पूरे एरिया में, और यहाँ पे सारी फाइल्स आ रही होंगी सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर इस तरह से। सही है, तुम दोनों के पास बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। चलो गुड, अच्छी बात है, ठीक है, अब इतना समझ में आया। लेकिन अब लेट से, अब हम बात करते हैं किस चीज की, कंट्रोलर की। अब आओ चलते हैं कंट्रोलर पे, अब यहीं पे रुको, और जस्ट वेट एंड वॉच के हम क्या कर रहे हैं। अब चलते हैं कंट्रोलर की तरफ, कंट्रोलर होता क्या है, कंट्रोलर किस तरह देख, कंट्रोलर को कैसे। ठीक है, तो आते हैं कंट्रोलर के ऊपर, ये रहा कंट्रोलर, जल्दी जल्दी मैं फॉर्मेट नहीं करवाया। तो कंट्रोलर बेसिकली होते क्या है, व्हाट इज द कंट्रोलर, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोलर, ये कुछ सवाल हमारे जहन में उठते हैं जब मैं बात करूंगा कि कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोलर हम पढ़ेंगे, तो जाहिर है ये चीजें कुछ जहन में हमारी उठती हैं कि भाई कंट्रोलर को ऐड कैसे करते हैं, कंट्रोलर होता क्या है, इसका क्या रोल है, ठीक है, व्हाट आर एक्शन मेथड्स, हाउ टू कॉल एक्शन मेथड फ्रॉम अ ब्राउजर, एक्शन मेथड को किस तरह कॉल करते हैं ब्राउजर से, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं एक्शन मेथड्स के, ठीक है, आप किस तरह से डिसाइड करोगे कौन सा कंट्रोलर बनेगा या क्या होगा, किस तरह से आप ऐड करोगे, किस तरह से कंट्रोलर को यूज करोगे, ठीक है। तो इसका एक सवाल कि आप क्या करो, अगर आप समझना चाह रहे हो तो बेसिकली एक मेन पिलर है कंट्रोलर एमवीसी का, ठीक है, और ये एमवीसी के अंदर सी से स्कैन करता है कंट्रोलर, और ये डॉट सी एस की फाइल होती है जिसके अंदर हम सी शार्प लिखते हैं, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम कंट्रोलर क्लास, कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट किया हुआ होता है ये, यानी इसकी जो इनहेरिटेंस होती है वो कंट्रोलर क्लास के अंदर सारी इसकी प्रॉपर्टीज प्री डिफाइंड होती हैं, कुछ जिनसे अपनी ये कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा होता है। सही है, इसके अलावा हैज, इसके अलावा देखो ये डिसाइड करता है कंट्रोलर के फोल्डर में, यानी कंट्रोलर के फोल्डर में रहता है ये बेसिकली, ठीक है, और हैज कंट्रोलर कन्वेंशन इन नेम, यानी कंट्रोलर कन्वेंशन होती है इसके नेम में, इसके नेम में कंट्रोलर जरूर आता है, अगर होम कंट्रोलर है, अबाउट कंट्रोलर है, तो नेम में कंट्रोलर जरूर आता है, ठीक है, ये मतलब है कि कंट्रोलर कन्वेंशन है इसके नेम में। इसके बाद जरा देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा होता है, किस तरह से काम कर रहा होता है। लेट्स सी, अगर सिर्फ पिक्चर देखो तो एक क्लाइंट है, ठीक है, इसके अंदर एक ब्राउजर है, क्लाइंट है, क्लाइंट जो है ब्राउजर के पास बैठा हुआ है, और वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा, तो ये सर्वर भी यहाँ पर बना हुआ है। अब देखो वर्क विद यूजर इनपुट और ब्राउजर रिक्वेस्ट जो होती है मेरे पास सारी, तो ये सारी चीजें बेसिकली कंट्रोलर क्या कर रहा होता है, इन चीजों के साथ खेल रहा होता है, और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है अपनी, हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसके फ्लो के अंदर, जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं उनको डेटा प्रोवाइड करना या लेट से उनको डील करना, ये सारे कंट्रोलर का काम होता है। तो ये एक क्लाइंट है जो कि सर्वर पे है, और वो क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर पे। अब ऊपर ऊपर ना एमवीसी के सारे जो चीजें हैं इसके ऊपर भी एक चीज होती है सर्वर के ऊपर, हम उनको चीजों को आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से वो काम कर रही होती है, अभी लेट से हमने पढ़ा ही नहीं है तो हमें नहीं पता वो क्या चीज है, बट सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है यूजर की, ठीक है, डेटा चाहिए लेट से उसे, और सर्वर पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, फिर क्या होगा, सर्वर से रिक्वेस्ट आई और सर्वर को रिक्वेस्ट सर्वर सर्वर के लिए रिक्वेस्ट आई क्लाइंट की तरफ से, और क्लाइंट को क्या गया, रिस्पॉन्स चला गया, ठीक है। अब ये किस तरह से कंट्रोलर के पास पहुंचा वो हम आगे डील करेंगे, लेकिन ये कंट्रोलर के पास पहुंचा और कंट्रोलर ने देखा, कंट्रोलर वही वेटर है जो रेस्पॉन्स का है, ठीक है, कंट्रोलर ने देखा कि आया मेरे पास ये डाटा जो कि क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट आई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो डाटा है भी, वो मॉडल के अंदर चेक करेगा कि मॉडल में वो डाटा है भी या नहीं,
अगर तो है तो यूजर को रिस्पॉन्स बैक कर देगा डेटा है, अगर नहीं है तो यूजर को रिस्पॉन्स बैक कर देगा डेटा, डेटा है या नहीं है बताओ। नहीं है गुड, तो डेटा नहीं है सही है, तो ये रिस्पॉन्स वापस जाएगा। अच्छा कंट्रोलर्स आर डॉट सी एस फाइल्स ठीक है, विच रिसाइड इन कंट्रोलर फोल्डर, एक समरी टाइप की है ठीक है। कंट्रोलर आर यूज टू हैंडल ब्राउजर्स इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट, गेट डेटा फ्रॉम मॉडल्स इफ रिक्वायर्ड, जो हमने अभी बात की ठीक है। प्रोवाइड डेटा टू कॉरेस्पॉन्डिंग व्यू, जो भी हम जो भी जाहिर है यूजर तो यूजर इंटरफेस के थ्रू करेगा ना, तो वो व्यू कहलाता है यूजर इंटरफेस सारा सही है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो व्यू है उसको रिक्वेस्ट उसको रिस्पॉन्ड करेगा सही है, और आइडेंटिफाई करेगा कि भाई किस तरह से रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स जो है मेरे पास यहाँ पर अभी जनरेट करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स बैक करना है ठीक है। कोशिश करेंगे एमवीसी को बोरिंग अंदाज में ना पढ़ें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ें, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे कैरेक्टर्स ना बीच बीच में ऐड कर दिए हैं ताकि हम लोगों के काम आ सकें। कंट्रोलर किस तरह से ऐड करना है यहाँ पे भी एक स्टेप गिवन है ठीक है, और मैं करके भी दिखा रहा हूँ। ये जो स्टेप गिवन है ना, ये भी लेट से कंट्रोलर बना रहे हैं, हम यहाँ पे कंट्रोलर बनाते हैं। अभी मैंने एक ऐसी एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर बनाना है जिसके अंदर पहले से कंट्रोलर मौजूद होगा, फिर अभी आगे चल गया थोड़ा, अभी इसी एप्लीकेशन में इसी अपने यही वाले सेशन के अंदर आगे चलकर, यानी अभी ये काम करेंगे, इसके बाद ये बताएंगे कि बिल्कुल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनेगा जिसके अंदर पहले से कंट्रोलर नहीं होगा ठीक है, उसके अंदर किस तरह कंट्रोलर ऐड करना है। सेम सेम प्रोसेस होगा, देखो राइट क्लिक करो कंट्रोलर के ऊपर ठीक है, अगर अभी कंट्रोलर के अंदर देखो तो क्या है, एक कंट्रोलर पहले से मौजूद है, राइट क्लिक करो कंट्रोलर पे, ऐड, क्या ऐड करना है मुझे, कंट्रोलर स्नैपशॉट लेना चाहो तो स्नैपशॉट ले लो भाई, मैंने स्नैपशॉट दिया हुआ था वैसे, मैंने दिया हुआ है दिया हुआ है, मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन आज की बनाई है उसमें दिया हुआ है वैसे, तो ऐड कंट्रोलर कर दिया हमने ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं कंट्रोलर के ठीक है, मैंने गिवन वैसे भी दिया हुआ भी है क्योंकि मैंने पुराने वर्जन के हिसाब से अपने एक दोस्त से मांगा था, तो उसने मुझे पूरे दो तीन स्नैपशॉट कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं वो देनी है, मैंने वो लगा दिए नीचे अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन आज की है सही है। तो कंट्रोलर किस तरह से ऐड करते हैं, हम फिलहाल कंट्रोलर यूज कर रहे होंगे अभी आगे चलकर हम, अब देखो कंट्रोलर के यहाँ पे दो टाइप्स है, MVC5 कंट्रोलर, MT MVC5 कंट्रोलर जिसके अंदर विद रीड राइट एंड एक्शन, रीड राइट एक्शन है, MVC5 कंट्रोलर विद व्यूज यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, इसको भी आगे देखेंगे जब एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। फिर MVC API 2 कंट्रोलर, MT MVC API 2 कंट्रोलर विद रीड राइट एक्शन, वही सारे एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, ये सारे API के थ्रू, तो अगर आप API के थ्रू काम करना चाहते हो तो आप API वाले कंट्रोलर बनाओ, यानी अगर आपने API बनानी है। ये जो दो टाइप होती है ना कंट्रोलर की, एक टाइप होती है जो कोई व्यू रिटर्न करती है, रिटर्न करती है यानी व्यू वापस करती है, एट दी एंड आप क्या करते हो किसी व्यू पे उसका रिजल्ट देखते हो, और एक टाइप क्या होती है वो जो API होते हैं वो व्यू रिटर्न नहीं करते ठीक है, उसमें कोई व्यू नहीं बनता, इसमें व्यू बनता है जो हम हमारे कंट्रोलर्स पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, MVC5 MT कंट्रोलर बनाएंगे हम, इसको हमने सेलेक्ट किया और हम ऐड कर लेंगे, और अब देखना कंट्रोलर का नाम आएगा, तो कंट्रोलर का नाम अभी लिखा हुआ है लेट से डिफॉल्ट कंट्रोलर, मैं इसका नाम रख दूंगा अबाउट, अबाउट, और ये मैंने मैंने MT कंट्रोलर लिया है, MVC5 कंट्रोलर MT सबसे ऊपर वाला ठीक है। और फिर क्या करोगे, देखिए कन्वेंशन में ये बात हमें वाजे कर दी गई है, हम ये बात पहले पढ़ चुके हैं कि हमें किसी भी कंट्रोलर के साथ उसका जो पोस्ट फिक्स है ना वो मुझे यहाँ पे कंट्रोलर रखना ही है ठीक है, इस तरह से कंट्रोलर रखना है, ये MVC की कन्वेंशन है ठीक है। हमें कोशिश करना है कि इसकी खिलाफ हम इसकी खिलाफ वर्जी ना करें, और जैसे रूल जैसे जिस तरह से ये यहाँ पे बन रहे हैं हम उस तरह से ही ये कंट्रोलर अपने पास बनाएं ठीक है। और यहाँ पे क्या करें, सिंपल इसको ऐड कर लें, जो भी कंट्रोलर का नाम रखेंगे क्या करेंगे, पहले अपना नाम जो गिवन है और उसके बाद क्या करेंगे कंट्रोलर लिखेंगे विदाउट स्पेस, सी कैपिटल, अपने कंट्रोलर का नाम भी कैपिटल आएगा, ऐड कर देते हैं। यार कैपिटल लिखो, नहीं जरूरत नहीं है केस सेंसिटिव की, लेकिन स्मॉल कैपिटल लिखो ठीक है। तो ये देखो ये बन गया, और ये कोई व्यू रिटर्न कर रहा है, राइट क्लिक करते हैं, अब ये देखो ये बना है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ये एक एक्शन मेथड है ठीक है। और मैं जो कह रहा था ना कि इंडेक्स कंट्रोलर को इनहेरिट कर रही है कंट्रोलर की क्लास, तो जितने भी कंट्रोलर बनते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करते हैं, राइट क्लिक करो ठीक है,
और लेट्स से व्यू कोड पे क्लिक करो, इसका कोड ओपन हो जाएगा, ये जो कंट्रोलर है। भाई आई थिंक इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो मिल जाएगा, गो टू डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रोलर बना हुआ है, यहाँ पे देखो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारे इसके मेथड्स वगैरह जो है वो यहाँ बने हुए हैं, इसको एक्सपेंड कर लो तो ये तरह से बना हुआ है, सही समझे? ये कंट्रोलर इस तरह से यहाँ बने हुए होते हैं, इनकी हमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है आगे जाकर। और तुम लोगों को पता है कि ये सारे कौन से होंगे, यकीनन ये वाले मेथड होंगे, प्रॉपर्टीज पहले से बनी हुई है, अब हमें इन प्रॉपर्टीज के आगे जाकर क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यही अब ये फिलहाल पहले से बना हुआ है, हम जब एक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एक्शन मेथड्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्शन मेथड्स क्या होते हैं, कंट्रोलर एक्शन मेथड्स के साथ कैसे काम करते हैं, जब एक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे तो फिर ये बताएंगे कि एक्शन मेथड किस तरह से यूज किए जाते हैं, कैसे बनते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, कंट्रोलर्स को कैसे कॉल किया जाता है ब्राउजर से, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम देखेंगे। लेट से भी जब अपनी एप्लीकेशन बनाइए उसको स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा हाँ सही है, एक जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन होगी उसमें किस तरह काम होगा, वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, एक डिफॉल्ट एप्लीकेशन में कंट्रोलर बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। अभी देख लेते हैं, इस प्रोजेक्ट को मैं यहाँ बंद कर देता हूँ फिलहाल, और विजुअल स्टूडियो को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वेब सेलेक्टेड है तो मुझे यहाँ पे फिर कौन से ASP.NET MVC पे जाना है, .NET फ्रेमवर्क वाली एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, क्रिएट कर देंगे, यहाँ इसको एम्प्टी कर दो और सिर्फ MVC पे चेक लगा दो। क्यों? ताकि मुझे MVC के जो फोल्डर का ना, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसके फोल्डर वहाँ बने हुए मिल जाए, और जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो बैकएंड के ऊपर जो फ्रेमवर्क बना रहा होता है वो सारा जो स्ट्रक्चर है ना वो मिला हुआ बन जाए, वो बना हुआ मिल जाए। लेकिन मैं सारे कंट्रोलर व्यू मॉडल पहले से ना बने गए हूँ, मैं खुद बनाऊंगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्रिएट कर लो, पहले वाले में हमने MVC सेलेक्ट किया था और अभी हम MT सेलेक्ट कर रहे हैं, एक MT टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो ये प्रोजेक्ट बन गया, यहाँ पे उतनी फाइल्स नहीं है जितनी पहले थी, गौर कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे उतनी फाइल्स नहीं है जितनी पहले थी। अगर पहले देखें तो ये डॉक्यूमेंट में यहाँ पर मैंने ऐड भी किए हैं, ये देखो ऐसा मुंह बन गया था हमारा है ना, लेकिन अभी क्या है, फाइल्स कम है, अभी कंट्रोलर में भी कुछ नहीं है। अब कंट्रोलर कैसे ऐड करेंगे, राइट क्लिक करो, ऐड कंट्रोलर, बिल्कुल वैसा ही, होम गन एम्प्टी, इसका नाम रख दो होम और ऐड कर दो, तो देखना एक कंट्रोलर ऐड हो जाएगा जो कि होम कंट्रोलर होगा। ये कंट्रोलर ऐड हो गया, बताओ सही है, यहाँ तक प्रॉब्लम कोई तो बताओ। अच्छा फिलहाल अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और अब ये करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भाई किस तरह से आप